बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी तो गाइज, मैं आपका भाई एहसान कयूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपको जुम्मा शरीफ की बबरकत घड़ियां बहुत मुबारक हों, और उसके बाद आपने टाइटल पे जो है वो मेरा आज का जो मेरा जो व्लॉग है उसका टाइटल जो है मेन वो आपने पढ़ी ली और लिया होगा कि आज का क्या प्लान है और किस हवाले से मैं वीडियो बना रहा हूँ। वो यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत बात है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। गाइज, इजाज भाई और फातिमा मेरी जो बहन है, हमारे बहन भाई लगते हैं, हर पाकिस्तानी के बहन भाई हैं और मुसलमान के बहन भाई। इन्होंने ये बेचारे मजदूर हैं और अपनी मजदूरी को समझ लें कि इन्होंने अपनी मजदूरी को दूर करने के लिए अपनी परेशानियां, अपनी मुसीबतें और अपने जितने भी गम भुलाने के लिए इन्होंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, ताकि हम किसी भी दुनियादार के आगे जाके हाथ ना फैलाएं, किसी भी दुनियादार के आगे जाके झुके ना, किसी भी दुनियादार की मोहताजी इन पे ना आए। तो गाइज, इन्होंने यूट्यूब जो चैनल बनाया वो बेचारों ने इसीलिए बनाया कि इनके घर की रोटी रोजी चल सके, इनकी जो है वो निज़ाम ज़िंदगी चल सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैंने इनका चैनल देखा है मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार इस तरह के जो लोग हैं मजदूर, आजकल तो मजदूर बंदा यकीन करें मजदूर हो तो दिल करता है इसको देख के लाख मरतबा अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और इस्तगफार करें। तो आजकल हमारे जो माशरे में ये चल रहा है कि हर गदागर जो है आप देखें तंदुरुस्त है फिर भी भीख मांग रहा है, लेकिन इजाज भाई और फातिमा जो बहन है उन्होंने अपनी मजदूरी को जो है वो अल्लाह माफ़ करे अपने आप को कमज़ोर नहीं होने दिया, अपनी मजदूरी को देखते हुए अपने आप को कमज़ोर नहीं समझा और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने YouTube चैनल बनाया, YouTube चैनल से वो पैसे कमा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही उन्होंने YouTube चैनल क्रिएट किया और माशाल्लाह 2 लाख उनके सब्सक्राइबर हैं। लोगों ने बहुत पसंद किया, लोगों ने उनकी वीडियोस को बहुत देखा, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी उनको बहुत सपोर्ट करता हूँ, उनकी हर वीडियो देखता हूँ और शेयर भी करता हूँ, दोस्तों तक भी उनका लिंक जो है वो भिजवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उनके लाखों में मिलियंस में व्यूज़ हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि यार जहाँ पर हमारे पाकिस्तानी भाई, मेरा ईमान और मेरा ये जज्बा है, मेरा अकीदा है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लम का कलमा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी जो है वो हर मुसीबत की घड़ी में अपने बहन भाइयों का साथ देते हैं। तो जितने भी मेरे मुसलमान पाकिस्तानी भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सब उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट करने के अलावा कुछ ऐसा ग्रो भी है, एक ऐसी तंजीम भी है, कुछ ऐसे अनासर भी हैं, गलत अनासर जो उनको डिसलाइक करते हैं और उनको धमकियां भी दे रहे हैं कि आप जो है वो अपने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने एनजीओ बनाई हुई हैं और बाहर से जो पैसा आता है, जो बाहर से जो है फंडिंग जो होती है, तो उनमें से कुछ ऐसी काली भेड़े हैं जो इन लोगों को डरा धमका रहे हैं कि आप लोग यूट्यूब चैनल मत बनाएं, आगे हमारे पास हमारे अदारे में जिस तरह गदागर मांगते हैं, जिस तरह भीख लोग मांगते हैं, दिहाड़ियों पे काम करते हैं, आप लोग भी इस तरह काम करें। तो मेरा तो यकीन करें सुन के दिल जो है वो बड़ा परेशान था, दिल मेरा बड़ा रो रहा था कि यार इस तरह के लोगों को तो हमें चाहिए तो सपोर्ट करना, तो कुछ ऐसा कुछ गलत अनासर है वो इन लोगों को डिसलाइक करते हैं। तो इंशाल्लाह आप सब अब आप आवाज़ उठाएं, इन लोगों को सपोर्ट करें। फातिमा और इजाज, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका जो लिंक देता हूं, माशाल्लाह अब तो इनका चैनल बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इनके चैनल पे जब भी मैं जाता हूं, इनकी वीडियोस देखता हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है। फातिमा बहन जो है उनसे चला नहीं जाता, भाई इजाज जो है उनसे भी चला नहीं जाता, बिल्कुल मजदूर हैं। तो इनकी इतनी मजदूरी है, यकीन करें, हम एक तो मजदूर होता है कि व्हीलचेयर पे बैठ के वो चल फिर ले, लेकिन ये इस लेवल के मजदूर हैं कि बेचारे चल के वॉशरूम तक नहीं जा सकते। तो इन लोगों को, इन जैसे कमज़ोर लोगों को ये जो गलत अनासर हैं, ये जो लोग जो है वो इनको तंग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम इनको सपोर्ट करेंगे, इनके चैनल को आगे लेके जाएंगे। और मेरी भी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इसी तरह इन पर अपना ख़ास करम और ख़ास निगाह रहमत रखे, इन पर अपनी खास जो है मेहरबानी फरमाए। और गाइज, अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा और अपने कमेंट बॉक्स, मेरे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट से ज़रूर मुझे राय दीजिएगा कि आज की वीडियो मेरी टूटी फूटी मेरी बातें आज आपको किस तरह की लगी। ये सारी बातें दिल से निकल रही हैं, ये कोई बनावटी गुफ्तगू नहीं है, जो मेरे दिल से एक थिंकिंग जो थी मेरी वो मैंने अब तक मैंने शेयर की, अपनी फीलिंग्स अब तक मैंने बयान की हैं। अपनी मुझे ज़रूर राय दीजिएगा और इनकी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो और नए व्लॉग में फिर हाजिर होंगे। अपना भाई एहसान कयूम को इजाजत दे, इंशाल्लाह मेरा इन लोगों के लिए हमेशा जो है साथ था, है और इंशाल्लाह साथ रहेगा।
फिर से शेर सुनाता हूँ कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जिसका अल्लाह साथ देता है तो दुनिया वाले उसको जलील नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ वत इज़्ज़ु मंतशा वत जिल्लु मंतशा, हम इनके साथ हैं और इंशाल्लाह इनको सपोर्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।